सो हे गाइज, व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब। सो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग करने वाले अनबॉक्सिंग इस HP लैपटॉप का, जो कि है गाइज HP 14S FQ1029AU। सो इसका फुल स्पेसिफिकेशन वाला रिव्यू मेरे चैनल पे ऑलरेडी है। सो गाइज, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, कार्ड्स के ऊपर जाकर देख लेना। और यहाँ पे आज की वीडियो में हम लोग करने वाले इसका अनबॉक्सिंग, तो यहाँ पे सारा कुछ बताऊंगा क्या कुछ मिल जाता है बॉक्स में। तो चलिए गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो ये गाइस, शुरू करते हैं इसी वीडियो को। सो गाइस, देख सकते हो यही हम लोग का लैपटॉप का बॉक्स। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लैपटॉप के बॉक्स में देखें तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर की ओर देखो तो यहाँ पे आपको अप्रैल 2021 का मैन्युफैक्चर देखने को मिल जाता है। एंड बॉक्स में MRP देखे तो 46,805 के अराउंड दिखाया गया है। वीडियो में आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा ये आपको कितने का मिल जाएगा एंड आपको कहाँ से खरीदना है, सारा डिटेल्स दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए अनबॉक्सिंग को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ से इसको काटना पड़ेगा, जो कि टेप लगा रखा है इन्होंने। तो यहाँ पे हम लोगों ने टेप पे लगा दिया कट, और यहाँ से ये हो जाएगा ओपन। सो फटाफट से ओपन कर लेते हैं। ऐसा कोई प्रोफेशनल नाइफ नहीं है मेरे पास, ऐसी घर के नाइफ से काम चलाना पड़ रहा है। सो गाइस, देख सकते हैं हमारा बॉक्स हो चुका है ओपन। एंड यहाँ पे इसको खोलते साथ ही यहाँ पे नज़र आ रहा है कुछ यहाँ पे बॉक्स। तो सबसे पहले ये छोटे वाले बॉक्स को निकाल लेते हैं बाहर। तो यहाँ पे बॉक्स को निकालने के बाद तो गाइज यहाँ पे इधर से निकल कर आ गया यहाँ पे हमारा पावर कॉर्ड। तो पावर कॉर्ड नहीं है गाइज, ये बेसिकली अडैप्टर है, जो कि देखे जाए तो 65 वैट का पावर अडैप्टर होना चाहिए। जी हाँ गाइज, 65 वैट का AC पावर अडैप्टर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको ब्लू पिन के अंदर देखने को मिल जाता है। तो ये आपको बॉक्स में देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छी बात है। एंड ये फास्ट चार्जर है गाइज, 50% आपका बैटरी चार्ज हो जाएगा 30 मिनट्स में। एंड यहाँ पे आपको पावर कॉर्ड भी देखने को मिल जाता है, तो इसकी क्वालिटी अच्छी आती है गाइज, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। रख देंगे साइड में, ये सबकी ज़रूरत है नहीं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, रख देंगे। यहाँ पे गाइज निकालते हैं हमारे लैपटॉप को बाहर। सो गाइस, लैपटॉप को बाहर निकाल दिए, अब इस साइड बॉक्स की ज़रूरत है नहीं, तो इसको भी फेंक देंगे हम लोग। और यहाँ पे गाइस आपको यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाएगा, जो कि पढ़ता तो है नहीं गाइस, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड गाइस, अब यहाँ पे देखो तो कुछ इस प्रकार के डब्बे में आपको देखने को मिल जाता है आपका लैपटॉप। सो गाइस, इसको देख कर यहाँ पे एक चीज़ का फीलिंग आ रहा है मेरे को, अंडों का ट्रे का जैसा यहाँ पे डब्बा दिया, बट कोई बात नहीं, लैपटॉप ही है हमारा। तो यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे। सो गाइस, ओपन, आई गेस आपको दिख रहा होगा, फोकस में होगा, तो हाँ, तो इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को इसको ऐसे ओपन करना है, और यहाँ पे ये हमारा लैपटॉप आ जाता है। सो ये है लैपटॉप गाइस, प्लास्टिक के रैपर में इन्होंने दे रखा है, एक थोड़ा सा एक फोम वाला रैपर देते तो अच्छा लगता, बट कोई बात नहीं, तो इसकी तो फिलहाल ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम लोग कर देंगे इसका काम फिनिश। और यहाँ पे अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है HP की सील, जो कि पहली बार आपको ब्रेक करना होता है। तो हो गया ब्रेक सील। और यहाँ पे गाइस, इस प्लास्टिक रैपर को हटा के इसको भी कर देंगे हम लोग नीचे। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा लैपटॉप। सो गाइस, एक तो मैं हाथ में पकड़ रहा हूँ, मेरे को वेट इसका फील नहीं हो रहा, 14 इंच का ये लैपटॉप है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, पकड़ने में तो एकदम प्रीमियम फील आ रहा है, बट पॉलीकार्बोनेट वाली बॉडी यूज़ की गई है, बट हाँ गाइस प्रीमियम फील आ रहा है। और यहाँ पे गाइस आपको सेंटर की तरफ HP की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे फटाफट से पोर्ट्स के बारे में बात कर लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका जो चार्जर अडैप्टर है उसके लिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा पोर्ट, और सबसे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी HDMI पोर्ट, और यहाँ पे दो आपको USB केबल लगाने के लिए आपको दिया गया पोर्ट, जो कि सुपर स्पीड के साथ में आती है। तो यहाँ पे आपको USB Type-C का भी पोर्ट देखने को मिल जाता है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। साथ ही आपको कॉम्बी जैक देखने को मिल जाता है 3.5 mm का, जो कि आप वीडियो कॉल्स वगैरह में यूज़ कर पाओगे, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस में भी यूज़ कर पाओगे। साथ ही गाइस, इस साइड में आपको कुछ नहीं देखने को मिलता, पूरा प्लेन है, बट यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएगी, जो कि आपके बताएगा सिस्टम बूट हुआ है कि नहीं। साथ ही गाइस, यहाँ पे आपको SD कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। सो बस स्लॉट्स के मामले में आपको इतना ही देखने को मिलेगा, और हाँ गाइस काफ़ी अच्छा है। एंड आप यहाँ पे देख लो ये कितना स्लीक है। सो काफ़ी पतला ये लैपटॉप है,
तो यहाँ पे दिक्कत आपको कोई होने नहीं वाली है, काफ़ी आप आराम से होल्ड कर पाओगे। जैसे मैं एक हाथ से होल्ड कर खड़ा हूँ इसको, एंड काफ़ी आराम से मैं इसको होल्ड कर पा रहा हूँ, तो उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब चलिए लैपटॉप को मैं खोल कर दिखाता हूँ आपको, स्क्रीन साइज वगैरह बताऊँगा एक बार, पहली बार आपको अभी बूट करके दिखा देता हूँ। तो पहले से सेटअप वगैरह कर लिया मैंने, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये देखने को मिल जाएगा, बट ये काफ़ी काम का चीज़ है गाइज, आप इससे स्क्रीन पोंछ सकते हो। सही में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में, क्योंकि मैंने भी इसको काम में लिया है एंड काफ़ी अच्छा काम करता है ये। सर रख देंगे इसको साइड में, तो गाइज़ आप देख सकते हो लैपटॉप का अंदर में कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे गाइज सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एंटी ग्लेयर कोटिंग देखने को नहीं मिलती, तो यहाँ पे एक छोटी सी कमी आप कह सकते हो। बाकी गाइज लैपटॉप 100% काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने नीचे कर दिया मेरा ट्राइपॉड का थोड़ा सा एंगल, तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप देख सकते हो काफ़ी आराम से आपका काम हो जाएगा। सो यहाँ पे पहली बार अगर ऑन करेंगे, आपके सामने दिखाता हूँ कितना टाइम लगेगा। तो मैंने क्लिक कर दिया है एंड यहाँ पे ये बूट होएगा, अब देखते हैं गाइस। तो आप देख सकते हो गाइस HP की लोगो आ चुकी है, दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें 512 SSD दी गई, 512 GB की, तो इतना ही टाइम लगता है बूट होने में। इन्हें पे एंटर मार के अगर आप ऐसे पासवर्ड जब मारोगे तो ये ऐसे बूट हो जाएगा, तो ये ऐसा बूट होने के बाद दिखेगा, फर्स्ट वॉलपेपर आपको यही देखने को मिल जाता है। सबसे अच्छी बात बताऊँ इस लैपटॉप की मुझे जो लगी, एक सेकेंड किधर गया, सो ये गाइस यहाँ पे आपको बैकलिट कीबोर्ड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है इस प्राइस रेंज में, एंड काफ़ी अच्छा लैपटॉप है गाइस, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो पाएगी। बट ये अनबॉक्सिंग था जहाँ पे मैंने आपको रिव्यू तो करके नहीं बताया, इसका रिव्यू जल्द आएगा गाइस मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे गाइस आपको सबसे पहले बता देता हूँ 8 GB की रैम मिल जाएगी, 512 GB की SSD जो कि सैमसंग की बेस्ट होती है। साथ ही गाइस यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो आपको AMD Ryzen 3 का 500 सीरीज का 5300U का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, AMD Radeon का ग्राफिक्स मिलता है जो कि इंटीग्रेटेड आता है, एंड आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 होम एंड स्टूडेंट देखने को मिल जाता है जो कि लाइफ टाइम सपोर्ट के साथ में आता है। और बाकी गाइस यहाँ पे आपको सारे चीज देखने को मिल जाएंगे, एंड हाँ यहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह कल से यूज कर रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। तो यहाँ पे गाइस ये लैपटॉप आपके लिए बेस्ट चॉइस बन सकता है अगर आपका प्राइस ब्रैकेट है अराउंड 40,000 रुपीज, तो ये लैपटॉप के लिए आप काफी आराम से जा सकते हो, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो बस गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आया लाइक कर लेना, एंड हाँ गाइस इसका अगर फुल रिव्यू वगैरह चाहिए तो एक और वीडियो बना रखा है उसको देख लो, वहाँ पे फुल स्पेसिफिकेशन बताया है मैंने, एंड इसका रिव्यू जल्द ही मेरे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। बट आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लिंक इतना डिस्क्रिप्शन, अगर आपको खरीदना है अमेजॉन फ्लिपकार्ट तो कहीं से भी जाकर खरीद सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था बट मैं प्रीफर करूँगा आप अमेजॉन से ऑर्डर करो, क्योंकि अमेजॉन का सर्विस बेटर है डिलीवरी के मामले में अगर देखें तो, ये मेरा एक्सपीरियंस है। सो बस गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद है लाइक लेना, कितनी बार बोल रहा हूँ लाइक करना, लाइक कर ही लेना, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियोस में, सब तक लिए टेक केयर, गुड बाय।